नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने भारत को गौरवान्वित महसूस करवा दिया है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रशिया के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मंगलवार को रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी को मिला यह पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि रूस और भारत के बीच एक खास रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में उन्होंने विशेष योगदान दिया है। पीएम मोदी दो दिवस रूस दौरे पर सोमवार को मॉस्को पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कई अहम मुद्दों पर भी उनकी बातचीत हुई। साथ ही दोस्तों, अब आपको बता देते हैं इस सम्मान के बारे में कि यह सम्मान क्या है। दरअसल दोस्तों, सन 1698 में जार पीटर द ग्रेट द्वारा यीशु के पहले प्रेरित और रूस के संरक्षित संत सेंट एंड्रयू के सम्मान में स्थापित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सबसे उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य योग्यता के लिए यह सम्मान दिया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। दरअसल दोस्तों, 2019 में भारत में रूसी दूतावास ने घोषणा की कि 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी को रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और रूसी और भारतीय लोगों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए गार्ड ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया था। इससे पहले दोस्तों, क्रेमलिन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन जंग के संदर्भ में कहा कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए शांति अत्यधिक सर्वाधिक है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शांति बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग करने को तैयार है। मैं आपको और विश्व समुदाय को आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है। मेरे मित्र पुतिन को शांति के बारे में बात करते हुए सुनकर मुझे आशा मिलती है। मैं अपने मीडिया मित्रों से कहना चाहूंगा कि शांति संभव है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक और घिनौना होता है, वह हम पिछले 40 वर्षों से सामना कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं हुई, जब दागिस्तान में आतंकवादी घटनाएं हुई, उसका दर्द कितना गहरा होगा, इसकी मैं कल्पना कर सकता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सारी बातें पुतिन के साथ कही। वैसे दोस्तों, कमेंट करके आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का रुतबा बढ़ा है, या फिर जैसा पहले था वैसा ही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।